रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा। इन दिनों प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। आलम यह है कि शराब के कारोबारी अवैध शराब का व्यापार बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। सरकार और प्रशासन लाख रोक लगा ले, लेकिन यह माफिया पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक तस्वीर में जिले की रहली पुलिस को एक बार फिर अवैध शराब पकड़ने में उस वक्त सफलता हाथ लगी, जब मुखबिर की सूचना पर बीती रात सफेद कलर की क्लासिक गाड़ी आने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर जब इस गाड़ी को रोकना चाहा तो ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देकर गाड़ी को रानगढ़ इलाके साइड मोड़ दिया, जहां पुलिस ने पीछा कर इस गाड़ी सहित एक आरोपी को हिरासत में लिया और गाड़ी से करीब 230 लीटर अवैध शराब जब्त करने में सफलता हासिल की। अवैध शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिसका नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है, जो साहगढ़ का निवासी है। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, जो चेकिंग पार्टी थी तो उसने जाके चेक किया तो अपना एक रानगढ़ रोड पर एक गाड़ी पकड़ी उन लोगों ने। एक आरोपी फरार हो गया, एक गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम है दीपक लोधी, जो कि साहगढ़ का रहने वाला है। और इसमें गाड़ी में कुल करीब 2.5 लाख की शराब, जिसमें 25 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, साथ में मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी थे जब्त किए गए। टोटल शराब 2,55,000 के करीब थी, 2.5 लाख के करीब कीमती। आरोपी एक गिरफ्तार हो गया है, एक अभी फरार है, इसके अलावा पूछताछ की जाएगी। पुलिस अवैध शराब पर लाख रोक लगा ले, लेकिन अवैध शराब माफिया लगातार प्रदेश में अवैध शराब का व्यापार बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। रहली से आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।